कैसे हैं फ्रेंड्स, आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं, आज मैं आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, जैसे कि मैंने ये फ़ोटो लिया है। अब आप क्या करेंगे, इस फ़ोटो पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसको ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे। इसके लिए आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे और एडिट पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से क्रॉप को सेलेक्ट कर लेंगे। एस्पेक्ट रेशियो में आप यहां पर 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करेंगे। हम यहां पर 3:4 कर लेते हैं और फिर इसको पोर्ट्रेट में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप इसको एडजस्ट करेंगे। आपको यहां पर एक ध्यान देना है, ये एस्पेक्ट रेशियो 4:3 का ही होना चाहिए। तो हमने ये फोटो अब क्रॉप कर लिया है, अब ओके पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फोटो अब रेडी हो चुका है। अब हम सिंपली फाइल पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देंगे और ये फोटो आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। आपको एक बात का ध्यान देना है, फोटो का बैकग्राउंड एक कलर का होना चाहिए, कोई डिफरेंट कलर का नहीं होना चाहिए, जैसे कि सिर्फ रेड या फिर सिर्फ वाइट ही होना चाहिए। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ सेटअप करना है। सबसे पहले पेज लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर देना है। फिर मार्जिन्स पर क्लिक करना है और यहाँ से कस्टम मार्जिन को सेलेक्ट करना है। जो भी मार्जिन है उसको आप 0 कर देंगे, तो हमने मार्जिन्स को 0 कर दिया है। अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम जूम आउट करेंगे। फिर आपको क्या करना है, उस फोटो को ऐड करना है। तो फोटो को ऐड करने के लिए हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हमने यहाँ पर फोटो को ऐड कर दिया है। अब आप इस फोटो को मूव करेंगे तो ये फोटो यहाँ पर मूव नहीं करेगा। इसके लिए आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है और इस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फिर रैप टेस्ट में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप इस फोटो को मूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके हाइट को एडजस्ट करेंगे, जो कि होने वाला है 5 सेंटीमीटर। ये सारे चेंजेस हम फॉर्मेट में करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस फोटो का साइज डिक्रीज कर दिया है। फिर से आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड करेंगे। बॉर्डर ऐड करने के लिए आप पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड हो जाएगा। इस फोटो का हाइट कर देंगे हम 4.7 और फिर इस फोटो को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल को प्रेस करके इस फोटो को ड्रैग करना है। इससे आप मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। अब हम इसकी और कॉपीज बनाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके फोटोज को सेलेक्ट करना है। फिर से कंट्रोल को प्रेस करके फोटोज को ड्रैग करना है। सिंगल फोटो के यहाँ पर 32 कॉपीज आ गए हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से सेव एज पर क्लिक करना है। इसे हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे और यहाँ सेव एज टाइप में आके पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पीडीएफ ही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। अब इसे हम क्लोज कर देंगे और डोंट सेव कर देंगे। अब एक डॉक्यूमेंट आ गया है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटोज यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना है और आपके फोटोज वो प्रिंट में आ जाएंगे। प्रिंट कराते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, इन फोटोज को आप किसी ग्लॉसी पेपर पर ही प्रिंट कराएंगे। तो आप ऐसे बहुत ही आसानी से मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं और अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि आप कैसे मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको फोटो एडिट करना है, इसे क्लीन करना है, तो इसके लिए हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका नाम है गिम्प ट्यूटोरियल। वहां से आप फ्री में फोटो एडिटिंग के ट्यूटोरियल देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और PC रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।